पत्ता में खिलाऊं? मोड़िए तो पत्ता पे एक बार, याद है मोड़ने कैसे मोड़ते थे? और भाई क्या हाल चाल, मस्त है? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज ना ऐसा करते हैं, एम रखते हैं इस वीडियो पे 5000 लाइक का, मतलब 25 से 30 हजार व्यू आते हैं, कम से कम 5000 लोग लाइक कर दिया करो। और अभी मेरे को मार्केट जाना है, बाजार जाना है, क्या लेने? एक भैया ने कमेंट्स किया था, पहले मैं छाए में आ जाता हूँ यहाँ पे, कि जो पत्ता होता है ना वो पत्ता यूज़ किया करो, जो मतलब जैसे कि ये पत्ते मैं आपको दिखाऊँ ना, इधर सराई के पत्ते होते हैं, जैसे ये पत्ता है, ये पता नहीं है भाई कौन सा पेड़ है, ये मेरे को नहीं पता, बट इधर ना सराई के पत्ते होते हैं जिसमें हम लोग पहले पानी पूरी खिलाया करते थे, जब मैं गली गली में घुमाया करता था ना, कल वाली वीडियोज़ तो देखी होगी मैंने, उसमें बताया भी है, तो गली गली में घुमाया करता तो पत्ते में पानी पूरी खिलाते थे, पत्ता जिस दिन नहीं मिलता था कागज़ में, बट दोनों ना उस टाइम नहीं आए थे, थर्माकोल के जो आने लगे हैं अभी, वो तो वो जाके देखता हूँ मैं वहाँ मिलते हैं कि नहीं, और पहले कितने का मिलता था, अभी कितने का मिलता है, और ठेले में अब पत्ते में लोग खा पाते हैं कि नहीं, ये देखना होगा। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? 5000 लाइक याद रखना। तो जहाँ पे पत्ते मिलते हैं मैं वहाँ पे आ गया हूँ, ये 10 रुपए का है एक ठो लीजिए, कितना पीस होगा इसमें? गिन के नहीं लाते हैं, और वो दोना भी रखते हैं का, वो जो दोना आता है बड़ा वाला कहाँ पे है, वो कितने का है? ये वाला, ये 50 रुपए का है, पहले हम लोग 8 रुपए में 10 रुपए में लेते थे, बहुत पुराना है, नहीं शॉर्ट रहता है, लेकिन पहले ना 8 रुपए 10 रुपए में लेते थे हम लोग, लेकिन जब से वो थर्माकोल वाले दोने आ गए ना तो उसको हम लोग यूज़ करने लगे, तो उसके बाद ये बंद हो गया। अभी तो फिलहाल मैं इसी पर ले जाता हूँ, ये 10 रुपए का है, पहले हम लोग घर में आ गए थे स्पेशली, पहले ये थर्माकोल वाले दोने नहीं बने थे ना, तब कितने में? 1 रुपए में, 2 रुपए में। जब से आर्टिफिशियल दोने आ गए ना, इसमें ना कोई खाने के लिए नहीं करता है, लेकिन आज चेक करूंगा मैं इसमें कोई खाता है कि नहीं खाता है, मोड़ पाता है कि नहीं। ये लाया हूँ तो मेरे बाप बोलते हैं कितने का, कितने को हुआ बताओ? 10 रुपए को, 5 वाला जमाना गया। पहले हम लोग इसी को ना 1-1 रुपए 2-2 रुपए में लाते थे, और पहले ना इससे मोटा हुआ करता था, वो बताया ना जो दोना था ना, इसका दोना बना हुआ वो भी मिलता था, तो 10 रुपए में 8 रुपए में हम लोग घर में पहुंचा के जाया करते थे, लेकिन अब वो जमाना गया, पहले 10 रुपए की 10 पानी पूरी देते दे थे। हैं कन्वर्सेशन चालू कि 8 का नहीं था, 10 का था, 10 का नहीं था, 15 का था, क्या हुआ सर? नहीं आओ, जाओ जल्दी आओ, घर जाओ, धूप बहुत ज़्यादा है। अरे पता नहीं जो क्या हुआ, इतना तेज धूप है ना, ये भी घूम रही है इधर, पानी ढूंढ रहे मेरे ख्याल से, लेकिन जब मैं इसके ऊपर पानी डालता हूँ ना नहलाने के लिए, तो ये नहाती नहीं, इसको भाग जाती है, दोनों के दोनों, शेर और शेरनी दोनों के दोनों। तो मैंने दुकान ले आया हूँ, मेरे को अपनी दुकान यहाँ पे लगानी है इतनी जगह पे, वो टैक्सी थोड़ी सी आगे करवानी है, अब टैक्सी वाले भैया का पता नहीं है, और ये टैक्सी भी आगे करवा दूंगा हल्की से, ताकि दुकान दिखती नहीं है ना सामने से बिल्कुल भी, पहले ठेले में धक्का मारो फिर गाड़ी में धक्का मारो, बताओ भला यही लगे है जिंदगी में। सबसे पहला काम रहता है मेरे को पानी को डालना इसमें, लेकिन उससे पहले ना इसको भिगाना पड़ता है टंकी को अच्छे तरीके से। तो बोहनी कर ली है मैंने, और आज ना मैं एक पन्नी एक्स्ट्रा फुल्की लाया हूँ, आप लोग बोलते हो ना सामान बढ़ा लो सामान बढ़ा लो सामान बढ़ा लो, मैं दिखाता हूँ, देखो 1 2 3 3 पन्नी तो एक्स्ट्रा, देखो आज पावर बैंक लाया हूँ, और एक पन्नी आधी आधी पन्नी यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे कर लिया, अब देखते हैं पूरा सामान मेरा खत्म होता कि नहीं होता। और आज वैसे भी ना थोड़ा सा लेट हो गया, आज कुछ त्यौहार थे घर में, तो काम काज में सब लोग लगे हुए थे, इधर उधर से मेरी दीदी वगैरह लोग आए थे, उसके चक्कर में गर्मी ज़्यादा है, थोड़ा बांध लो इसको, तो दुकान लाने के बाद अच्छी खासी भीड़ हो गई। और कितना हो गया छोटू? 30 रुपये 20 रुपये ना, ये लो 30 रुपये। 30 का खाया हूँ। 30 का कहाँ खाया है? फुल्की की खाया। 10 रुपये का ना खाया? 20 का खाया फुल्की। अच्छा हाँ यार सॉरी, शाबाश। हाँ मैं ये बोल रहा था कि पत्ते वगैरह देखो यूज़ हो रहे हैं, मतलब मैं बिना बोले ना लोग आते हैं और ऐसे करके मुड़ के खा लेते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त भाई लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि भैया आसपास में कहीं दुकान ले लो, वहाँ रेस्टोरेंट खोल लो। यार इतनी जल्दी नहीं, अभी देखो मेरे भाई की शादी करनी है, मैं अनमैरिड हूँ, मैरिड हूँ, ये सस्पेंस है ना थोड़ा सा, जो समझदार हो समझ गए हैं, कुछ लोग बोलते हैं बच्ची किसकी है, सही जा रहे हो, ठीक है, तो मेरे भाई की शादी करनी है,
अब मैंने भाई की शादी करनी है, मेरे से छोटा है, ठीक है। आसपास कहीं भी आपको दुकान खाली नहीं मिलने वाली, मिलेगी भी ना तो मान लो तो बहुत दूर, और उसमें इन्वेस्ट करने का पड़ेंगे कम से कम 10 लाख रुपए कम से कम, तो आपको थोड़ा सा ना अच्छा बेनिफिट देगा। और सिर्फ उसमें आप अगर 5,000 या 6,000 रुपए की दुकान लेके उसमें सिर्फ पानी पूरी बेचोगे तो नहीं चलने वाला। अब आउट में आपको दुकान मिलेगी, अभी मेरा एक दोस्त है शुभम, उससे मिलाऊंगा आपको, वो आउट में दुकान लिया है, तो उसके दुकान में एक दिन ले चलूंगा, वहां दिखाऊंगा, तो वो भी ना थोड़ा सा वहाँ दुकान वगैरह चलती नहीं है। और इधर का बताऊँ तो ये एरिया है ना सबसे बेस्ट है पानी पूरी के लिए, तो इधर मान लीजिए एक भी दुकान खाली नहीं है। ये दुकान देख रहे हैं ना, मान लीजिए अगर ये दुकान बिकती है तो 60 लाख रुपए की बिकी, 60 लाख रुपए की बेचेगी, तो 60 लाख। भैया नमस्ते, क्या खाएंगे? पत्ता में खिलाऊँ? मोड़िए तो पत्ता को एक बार, याद है मोड़ने कैसे मोड़ते थे? अरे वाह शाबाश, मोड़िए भैया आप भी। हाँ मोड़ तो लेते हो। अच्छा मैं कैसे मोड़ता हूँ पत्ता, पता है ऐसे करके ऐसे मोड़ता हूँ, देखो ये अच्छा रहता है। ये देखो भैया कैसे मोड़े हैं, इनका दिखाओ पहले एक बार, देखिए इसको पकड़िए आप ऐसे करके, ऐसे ये सबसे बेस्ट होता है, ये मस्त है ना मोड़ने के लिए। इधर भैया लाइन में लगो, लाइन में लगो, पत्ता चलेगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी है कि दोनों दो नहीं चलेगा ना, दोनों में तो दूंगा दिक्कत होगा तो। बन जाएगा ना कि दोनों दूं? बन जाएगा ना, पुराना वाला आइडिया है भैया, पहले इसी में बताते थे हम लोग, ये ठीक रहता है ना। सॉरी भैया बड़ा आ गया, छोटे छोटे चाहिए था ना। आप दोनों को दे दे इसका, आइए भैया बढ़िया है यार पत्ता में। एक 10 रुपए का पत्ते में तकरीबन 50-60 पीस रहता होगा, और ये वाले से तो मैं दोनों लेता हूँ ना, इसमें रहता है 25 पीस, ये 7 रुपए का आता है। ऊपर बात कर रहा हूँ, ऊपर बात कर रहा हूँ लोग से। पहले एक समय था जब पत्ता नहीं मिलता था ना, तो दुकान बंद हुआ करता था हम लोग का, कहे कि ये जो थर्माकोल का दोनों है ना ये मिलता ही नहीं था पहले, तो हम लोग साइकिल से ना जंगल में तोड़ने जाया करते थे। खत्म हो गया, अब रात को घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं बताइए मेरे, पहले अब मैं नहीं देखता हूँ आपको रात को। आप यहाँ आ गए ना? कहाँ आ गए? ए डिपो के पीछे। अरे अब रात को मत घुमा करिएगा, बहुत दिक्कत है ना। ठीक है खत्म हो गया, कुछ नहीं है खाना के लिए आया, अरे खाना नहीं है सामने, खाना तो है ना।
खत्म हो गया मसाला वसाला कुछ नहीं है। चलिए आपको मैं खिला देता हूँ, आप हमारे देश का सेवा करते हैं तो मीठा खिला देता हूँ ना। मीठा कितना? एक आध खिला दो, चल जाएगा। ये लीजिए, इतना ही हो पाया, क्षमा चाहता हूँ। और ये सूरजपुर के यूट्यूबर भाई साहब, क्या नाम है आपका? ए सॉरी, नहीं नहीं नाम भूल आ गया। ये देखिए, यूट्यूब के पैसे से गाड़ी लिए हैं। ये देखिए, सूरजपुर में पहला लड़का है जो यूट्यूब के पैसे से गाड़ी लिया है भाई। काफ़ी मेहनत किया, कितने 7 साल हो गया ना, 7-8 साल? 7 साल से ना, मतलब जब से मैं बना रहा हूँ ना, मान लो जब से मैं स्टार्ट किया था ना 2015-16 से अराउंड, तभी से बना रहा है ना, तभी से ये भी बना रहा था। लेकिन हम लोग का फील्ड अलग हो गया था, मैं कुछ और करने लगा था, वाइंस वगैरह, और ये कुछ और करने लगा था। बहुत सारा कैटेगरी चेंज हुआ, बहुत सारा बनाया, मतलब क्या नहीं किए, सही बात है, क्या नहीं किए। और मतलब भगवान तो मेरे को उसी चीज़ में ला के डाला जो चीज़ मैं रियली में हूँ। और ये भाई सब क्या करते हैं आप? शेयर मार्केट का वीडियो और पहले तो एजुकेशनल बनाता था। हाँ हाँ, पढ़ाई लिखाई वाला ना। और अभी खत्म हो गया भैया? अभी ट्रेडिंग वगैरह सिखाता हूँ, मेन मेरा फोकस ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में भाई मैं तो पैसा से नहीं लगाता हूँ, कहा एक बार लगाया था शेयर मार्केट में, डूब गया था मेरा। खत्म हो गया सर जी, पानी पियेंगे? तो अभी चौपाटी गया था कुछ खाने, और आज ना पावर बैंक में साथ में लाया था ना, तो काफ़ी हेल्प हो गई, सही है। और लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है आजकल यार, क्योंकि क्या बताऊँ, आज तो ना 7:30 बज गए, हाँ 7:25 हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ आज। मतलब दिन भर का ना यही स्ट्रगल है भाई, सुबह 5 बजे उठो, पानी पूरी बेलो, आलू उबालो, 11 बजे तक काम करो, खाना पीना खाओ, उसके बाद चले जाओ फिर अभी आओ, फिर से बाजार जाओ, और बाजार से 1-1.5 घंटा बाजार लगता है, मतलब सामान लेके आता हूँ बाजार से 1.5 घंटे में, उसके बाद घर आता हूँ, खाना पीना खा के फिर से सो जाता हूँ, फिर से सुबह से वही काम, दिन में मेहनत मेहनत मेहनत। देखो टाइम दिखाऊँ मैं आपको, देखो 7:26 हो रहे हैं अभी, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है आज, देखो इधर पूरा अंधेरा है, पता नहीं आज लेट कैसे हो गया। मैं बताया ना, एक पनीर फुल्की एक्स्ट्रा लग गया था उसके चक्कर में, और मेरे को लगा भी नहीं था कि खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं सोचा ना यार जब लाया हूँ पानी भी बचा हुआ है, आलू भी बचे हुए थे, तो मैं बोला खत्म ही कर लेता हूँ, इसलिए मैं 1 घंटा और एक्स्ट्रा रुक गया। तो आप लोग यही सोचते हो कि ज़्यादा माल ले जाओगे तो ज़्यादा देर रुकने का मन करेगा, मेरे को पता था आप लोग यही कमेंट्स करोगे, और आप लोगों के मन में पक्का ये सवाल जरूर आया होगा कि कम ले जाते हो ना तो खत्म हो जाता है, फिर दोबारा मंगाते नहीं हो, क्योंकि आपका मन करता है घर चले जाओ। हाँ, मेरा ऐसे ही मन करता है, और ज़्यादा ले जाता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई थोड़ी देर और रुक जाऊँ, 150-200 रुपये की और एक्स्ट्रा बिक्री कर लूँगा, ऐसा ही कुछ है। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप पेट्रोल 50 रुपये क्यों डलवाते हो? भाई जैसे मैं पहले डलवाता था 50 रुपये का, वैसे मैं अभी भी डलवाता हूँ, रोज़ 50 रुपये डलवा लेता हूँ। जैसे क्या होता है मैं आपको बताऊँ, आज मैं जितने की बिक्री किया, मेरे भाई जितने की बिक्री किया, एक मिनट ना, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, जितने की मेरे भाई बिक्री करता है, जितने की मैं करता हूँ, दोनों को मिला के जो भी खर्चा होता है निकाल के एक सेपरेट रख देते हैं, जो भी बचता है उसको रख देते हैं। अब इसीलिए मैं आपको बताऊं, मैं रोज़ 10 रुपये का अदरक लाता हूं, रोज़ 10 रुपये का लहसुन लाता हूं, क्यों? क्योंकि वो रोज़ लगना है। अब मैं चाहूं ना तो 1 किलो अदरक ला सकता हूं भाई 40 रुपये का, लेकिन मैं 10 ही रुपये का लाता हूं, क्योंकि रोज़ जाता हूं, रोज़ ले आता हूं। अब मैं टंकी फुल करवा लूं, तो लोग बोलेंगे यूट्यूब से पैसे आ रहे हैं, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है, पैसे वगैरह भी इस चैनल से कुछ भी नहीं आया है, जो भी आता है वो पुराने वाले मेन चैनल से आता है थोड़ा मोड़ा, तो उससे वही मोबाइल वाल का भी कुछ पैसे पटाने हैं मोबाइल के, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। देखो जैसा मैं पहले था ब्लॉग के पहले, वैसे ही मैं ब्लॉग में अभी भी हूँ, लेकिन आप लोग सोचते हो ना कि नहीं नहीं अब टंकी फुल करवानी चाहिए, भाई काहे के लिए करवाऊँ टंकी फुल यार, जैसे पहले था वैसे ही हूँ, अब देखते हैं बाद में कुछ चेंज होगा तो। और ये हाथ पकड़े पकड़े ना, मोबाइल पकड़े पकड़े मेरे हाथ में दर्द हो गया बहुत तेज, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ ना। तो ठेला आ गया है, अब ठेले का सामान उतरेगा, फिर इसके बर्तन धुला जाएंगे। और टाइम हो गया भाई साहब, कितना टाइम हो गया 7:38 हो गया है, और ठेले के बर्तन अभी उतारेंगे और उसके बाद इसको धोएंगे। और मैं थोड़ा सा, भगवान इतना गजब का आनंद मिलता है ना, मतलब मैं बार बार आपको यह बताता हूँ, दुकान लेने के बाद ऐसा लगता है कि पूरी जंग जीत ली। ऐसा करते हैं इस वीडियो पे 5,000 लाइक करवा देते हैं, ठीक है? तो उसके लिए थैंक यू सो मच। ऊपर पंखा चलता है, नीचे राकेश भैया सोते हैं, एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, 5,000 देखो करना है। अगर यहाँ तक पहुँच गए तो प्लीज़ लाइक कर देना, अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।